जी उस्मान साहब, आपको हंसने की कोई जरूरत नहीं है, यार इन्होंने तो बहुत पागल कुछ किया, है आप बता पीडीएम के दीजिए। पास जो वो आप इलेक्शन सिर्फ कैंपेन हंसते में लेके रहे, जाएंगे। हंसे आपका नहीं काम आप, सिर्फ ये है कि आप हंसते हाँ रहे, हंसे नहीं आप, हंसते हंसते आप प्रोग्राम खत्म हो जी जाएगा और आप घर चले जाएंगे। जी चले उस्मान मसूद, डार फिर हमारी साहब, तरफ भी आ जाए यार, है आ जाए आ जाए आ जाए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ क्या ना, कुछ साहब नहीं ने है जी। वो समझाया भी कह था, रही पढ़ है के कि आना, लेकिन क्या फिर भी घड़ी समझाया लेके थी ना, जाएंगे, ये फरागोगी को दिक्कत लेके होती है। जाएंगे, कौन कौन इलेक्शन कमीशन को लेके जाएंगे इलेक्शन कैंपेन में, है क्या आपके पास? देखिए मसूद, अब मेरी बारी है। देखिए जी जी उस्मान डार साहब, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था आपके नाजरीन के लिए कि मैंने तो शर्मिला को चैलेंज किया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे कोई एक अच्छा काम बताएंगी अपना 8 माह में हकूमत में आने के बाद इन्होंने किया है। और ब्रेक से वापस आने के बाद फिर ये इमरान खान के इकोनॉमिक सर्वे पे चली गई। इम्तियाज गुल साहब ने बड़ा एक दानिश्वर राना मशवरा दिया था कि बीबी पढ़ के आए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें फिर बात करें। अगर इन्हें माजी में ही जाने का शौक है तो मैं इनको मोहतरमा को याद दिलाता हूं कि 2008 और 13 में इन अजीम पाकिस्तानियों के आपने महंगाई से तीर से बदन छन्नी कर दिए थे मोहतरमा। तारीख में 75 साल जो महंगाई हुई थी वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं। यही दुनिया न्यूज रिपोर्ट करता था कि तीर ने पाकिस्तानियों के बदन छन्नी कर दिए। फिर हुकूमत आई शेर वालों की, यही दुनिया न्यूज रिपोर्ट करता था। अगर कल प्रोग्राम दोबारा रख दे तो मैं पूरे पलंदे ले आऊंगा, शेर आटा खा गया, शेर बिल्ली खा गया, शेर डॉलर मैटर खा नहीं गया, करता बिल्ली उस्मान खा साहब गया। सुन के ले पुरानी जरा, बातें मैं की इन्हें माजी जाएं, में लेके जा लोग रहा लोग हूं, इतनी इन्हें लोगों बड़ा की शौक है याददाश्त माजी के में जाने का इतनी ना। इतनी पिछड़ एक्सपोर्ट जाती है। तबाह जी कर दी जी शेर ने, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़ सुने लेंगे जरा, और कहते अभी ना की, लेकिन मोहतरमा, मैंने बीच के बोल रहा 3 साल था, नहीं पढ़ेंगे, हौसला बीच के रखे, 3 साल भूल गए। हौसला रखे ना बीच के मोहतरमा, तीन आप साल बोल तो पड़ी तो इकोनॉमिक इसका सर्वे का मतलब भी है कि हवाला दे आपको दें। मेरी बातें चुभ आप, रही है, आपको क्यों सच तकलीफ हुई कि हमेशा मैंने कट आपको ऑफ, याद दिला दिया कि बोल पड़ी 2020 और 2021 ना, में ये मेरी इकोनॉमिक सर्वे जीत है, आप रिपोर्ट के बोल क्या पड़ी है फिगर्स थे? टॉक शो में, मैं नहीं बोला, मैं सुन रहा था अरे आपको, इससे इसी मैं में खुश हो मुतमिन हूं। जाएं, थोड़ा और आप मुस्कुरा झूठ बोल दें। रही थी ना, आप झूठ बिल्कुल बोल बिल्कुल, रही मुझे थी, पता मैं है आप बहुत मुस्कुरा रहा, मुतमईन जब हैं। मैंने सच बोला तो आप बोल पड़ी हैं, तो सुने आप हौसले से जरा, आप सुने, इकोनॉमिक मैंने सर्वे आपसे एक चीज मांगी थी 2021 क्यों मोहतरमा, नहीं अभी भी पढ़ते कहता हैं? हूं, अभी भी मसूद, चैलेंज कर रहा रुको, हूं, सब साहब की जो कुछ बयान इकोनॉमिक दे, सर्वे चुप थे रहना, चुप जो करवाना आपने पड़ेगा तोड़े ये थे, मीला, वो हमारे शर्मिला मीला को आपने आप बड़ा फरमाया, गवारा बेचारी नहीं को करते। बात कर दे दें, अपने से ये तो कोई पहले और तरीका आपने नहीं है फिर ईमानदार बात साहब, करने ये के बात लिए जरा 20 मिनट अंडे से यही 25 बोल रही हैं, रुपए के कर दिए आपने, प्याज 20 से 190 इन्होंने में तीन आपने पहुंचा साल इसी दिया है, तरीके से पेट्रोल गुजारे का क्या मसूद हाल हो साहब, गया है? शर्मिला ये 3 साल शर्मिला रोते देखिए रहे हैं देखिए, कि जब पीपल्स जब आप पार्टी ने लोगों ये से बात किया, होती थी ना, ये आपके दौरे मैंने ये हुकूमत किया, जब से ब्रेक क्या से, हुआ? आपने आप कहती थी हमारी कार पिछले कर देगी फैसला 3 साल करना भी पांच यही साल रोते के रहे हैं बाद, और अभी भी यही हुकूमत रोते आती रहे है हैं। 5 साल के लिए, अब उनकी हुकूमत तीन इनकी साल में मेमोरी खत्म हो गई से, है, वो तो इनके 3 साल दौर के की बाद ही थी। उनकी हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला होगा। शर्मिला बात कर लेने दीजिए, वो आपकी बात में नहीं बोले, आप उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मौका मिल जाएगा। जी उस्मान साहब, मैं आके दूसरे को जी सुनने उस्मान साहब, का, मैंने कंप्लीट भी कीजिए। आपको सुना मोहतरमा, आप भी हौसले से सुने। माना कि मेरे लीडर ने हराम की कमाई से सरे महल नहीं बनाया, माना कि मेरे लीडर ने कमीशन से हजारों कनाल पे रायवंड माल नहीं बनाया मोहतरमा, मेरे लीडर ने डीजल के परमिट नहीं लिए फजलुर रहमान की तरह अमीर होने के लिए, जो मेरे शख्स लीडर ने एवल फीड अपने अपार्टमेंट बच्चों को नहीं करप्शन संभाल नहीं सके, बनाए, अपने घर को नहीं संभाल आपने सके, वो क्या मुल्क को क्या कानून संभालेगा? डाली, वो भी जो इमरान खान को तोहफे में मिली, वो शर्म करो यार जो कोई, वो शख्स साढ़े जो तीन शख्स साल पर रहा। जो चले शख्स चले अपने उस्मान डार साहब, बच्चों को ना उस्मान डार संभाल साहब, पाए ये उसने गुफ्तगु उस मिल्क मुल्क को क्या इस लेवल पे संभालेगा? नहीं जानी चाहिए प्रश्न शर्मिला, उस्मान डार साहब, ये गुफ्तगु इस लेवल पे नहीं जानी चाहिए।